एवरीवन, मैं हूँ मेघा। अगर आप चाय पीने की बहुत ज्यादा शौकीन हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान चाय पीने से पहले बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपको और आपके बेबी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि चाय में बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चाय नहीं पी सकती हैं, बिल्कुल पी सकती हैं। आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान पूरे दिन में लगभग 200 मिलीग्राम कैफीन का ही सेवन करना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कैफीन नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक कप चाय में कैफीन की कितनी मात्रा होती है। आमतौर पर दूध की चाय एंड काली चाय और ग्रीन टी में लगभग 30 से 50 मिलीग्राम तक कैफीन होती है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप हर्बल चाय का यूज करती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें जो कैफीन की मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा कम पाई जाती है। और हर्बल चाय आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है, बट इसको भी आप बिल्कुल ही सीमित मात्रा में एक कप ही लें, इससे ज्यादा ना लें। और अगर आपकी ट्वींस प्रेगनेंसी सर्दियों में है, तो आप अदरक वाली चाय बिल्कुल ले सकती हैं। अदरक वाली चाय लेने से आपको मॉर्निंग सिकनेस एंड आपको सर्दी और आपको गले की खराश में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अदरक का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, आप हल्की मात्रा में ही अदरक लें, क्योंकि अदरक बहुत ज्यादा गर्म होती है। आपको शुरुआत के 3 महीने अदरक वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है, क्योंकि गर्भपात होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान काली चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर आप ग्रीन टी का सेवन करती हैं, तो आपको क्या करना है कि आप टी बैग को पहले एक कप पानी में 30 सेकंड के लिए डुबोकर उस पानी को फेंक दें, उसके बाद में आप दोबारा से उससे ही ग्रीन टी बनाएं। ऐसा करने से ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा काफी हद तक कम हो जाती है। आप कोशिश करें पूरे दिन में सिर्फ 2 कप ही चाय पिए, 1 कप आप सुबह ले लें और 1 कप आप शाम को ले सकती हैं, और इससे ज्यादा चाय ना पिए। और अगर आप ट्वींस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा मात्रा में चाय पीती हैं, तो इससे आपको हार्ट बर्न, पेट खराब होना, कब्ज की शिकायत होना, भूख ना लगना, सर दर्द होना, घबराहट होना, और इसके साथ ही आपके बेबी के डेवलपमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए आप गलती से भी बहुत ज्यादा चाय का सेवन ना करें। और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा कैफीन लेती हैं, तो जो ज्यादा कैफीन होता है वो आपकी रक्त वाहिकाओं में बुरा प्रभाव डालता है, जिससे आपकी ट्वींस प्रेगनेंसी सीधी सीधी प्रभावित होती है। और अगर आपको दूध से एलर्जी है, तो आपको दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आप फिर भी पीना चाहती हैं, तो इससे पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछें। और इसके अलावा आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में दूध के पाउडर से बनी हुई चाय या फिर बाहर की चाय, कॉफी और फिल्टर कॉफी के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है। और आप ट्वींस प्रेगनेंसी में लेमन टी एंड दूध की चाय और आप ग्रीन टी बिल्कुल पी सकती हैं। और आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की चाय का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।